एक बहुत ही दुखद घटना हुई है पुलवामा में, जिस तरह से 42 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं उसको लेकर देश भर में गुस्सा भी है, लोगों में गम है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, पहले अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है। मेरे साथ राज रत्न अम्बेडकर साहब है, उन्होंने एक बड़ी बात कही है मन से कि क्या शहीदों के जो शव है उसको इवेंट मैनेजमेंट बदला जा रहा है, और दूसरी बात कि सीमा पर भी बहुजन ही शहीद हो रहे हैं। सर क्या लग रहा है, पूरे जिस तरह से वाजपेयी जी की लाश को इवेंट में बदल दिया गया था, शहीद जवानों के सबके साथ ही वही किया जा रहा है टीवी और अखबार में जो लग रहा है? देखो, पहले तो मैं सबसे पहले इन शहीदों को आदरांजलि अर्पण करता हूँ, और ये बात जो हुई है, जो घटना घटित हुई है, ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट देकर मेरे ख्याल से एक महीने पहले ही इस देश को आगाह कर दिया था, यूएस को आगाह कर दिया था कि भारत में इस तरह की घटनाएं होंगी, और उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है कि बीजेपी पॉलिटिकल ये सारा जीतने के लिए, पॉलिटिक्स जीतने के लिए ये सारा काम करेगी, ऐसा डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस डैन कोट्स ने अपने रिपोर्ट में कहा है। ये हम नहीं कह रहे, इन्होंने अमेरिका की रिपोर्ट में कहा कि भारत में ये होने वाला है, उसमें कि ये पहली घटना घटित हुई है। यहाँ पर श्रीदेवी मरती है तो पूरा राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, और अभी तक हमारे जवान यहाँ पर मरे उनके बारे में इस तरह से निंदनीय चित्र पूरे देश भर में दिखाई पड़ता है, और ये पहली बार ऐसा है कि भारत के लोग पूरा संदेह जमा रहे हैं, संदेह बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल ये मैनेजमेंट है, क्योंकि ये गाड़ी, अरे आपको, आप लोगों को गौमांस लेके जा रही ट्रक मिल जाती है, किस गाड़ी में गौमांस लेके जा रहा है ये आपको पता चलता है, 300 किलो आरडीएक्स लेके जाने वाली गाड़ी आपको पता नहीं चलती, फ्रिज का मांस पता चल जाता है, ये मांस आपको पकड़ रहा है, आप लोग शराब पकड़ रहे हो। एक सर रिपोर्ट आई है कि एयरलिफ्ट करने की बात हुई थी जवानों की, कि जहाज से लाया जाए, गृह मंत्रालय ने जवाब तक नहीं दिया। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये लोग जो एक दूसरे के ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने मसूद अहमद जी के, इनके साथ मोदी के फोटो देखे, आरएसएस के फोटो देखे, ये सारा कहीं ना कहीं पे तो संदेह है, भारत के जवानों के जीवन के साथ खेला जा रहा है, क्यों? तो पॉलिटिकली जीतना है, पॉलिटिक्स जीतना है, क्या पॉलिटिक्स भारत के जवानों के जीवन से ऊपर हो चुका है? ये इस तरह का काम पहली बार हम लोगों ने देश में, सरकार पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है, और टीवी और अखबार को जिस तरह से मोर्चे पर लगाया गया, क्या लगा, कुछ कॉन्स्पिरेसी दिख रही है आपको? ये है ही, मोदी जब जब डरते हैं तब तक इस देश के ऊपर आतंकी हमले हो रहे हैं, आतंकी हमले उस समय ही क्यों हो रहे हैं जब चुनाव आते हैं, तो ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो आतंकी हमला हुआ है, एक सर के बदले 10 सर लेके आएंगे, मोदी को फिर से लाएंगे, ये बात हो रही है, ये बातें इस देश में अभी शुरू हो चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं पे तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा आशंका हम लोगों को इसमें। राजरतन जी, ऐसा क्या लग रहा है, देश में शोक है, लोग गुस्से में है, टीवी कह रहा है युद्ध करो, मोदी जो चुनावी रैलियां करने में व्यस्त है, नहीं वो कोई मरे, यही तो मैं कह रहा था कि श्रीदेवी शराब पी के मरती है तो उसके लिए पूरा राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, और यहाँ पर सारे नरेंद्र मोदी रैली में लगे हैं, अमित शाह रैली में लगे हैं, योगी रैली में लगा हुआ है, सभी लोग आप अपने प्रचार में लगे हुए हैं, 40-42 लोग हमारे जो मर रहे हैं, एक भी इसमें सवर्ण नहीं है, उनके लिए इस तरह की ट्रीटमेंट पहली बार हम लोग इस देश में देख रहे हैं, कि किस तरह का अनुभव अनुभूति से हम लोग गुजर रहे हैं। ये क्या लगता है कि जिस तरह से मसूद को कंधार पहुंचाया था इन लोगों ने जहाज में, उसका खामियाजा देश को जवानों की जान की कीमत देकर चुकानी पड़ रही है? ये सब एक ही कौम के लोग हैं, ये सब नाजीवाद को फॉलो करने वाले लोग हैं, आरएसएस के लोग जो नाजीज्म है उसी को फॉलो करते हैं, हिटलर को अपना महापुरुष मानते हैं, उसी तरह से ये सारा जो है ये एक ही विचार रहा के लोग हैं। सर कोई जांच नहीं हो रही है, सीधे कहा जा रहा है पाकिस्तान पर हमला करो मारो, इस तरह का मीडिया रिपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, लगता है एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि कहीं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, किसकी कोशिश है? हमला होता है और एक घंटे में ही राजनाथ सिंह
जो कोई प्रचारक नहीं है, पार्टी का छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं है, होम डिपार्टमेंट जिसके पास है वो आके बयानबाजी करेगी कि पाकिस्तान ने कर दिया, जिसकी कोई आप लोगों ने जानकारी नहीं प्राप्त की, कुछ नहीं की, आप लोग इतने बड़े पोस्ट पर होकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं पे तो शंकास्पद है, बहुत बड़ा षड्यंत्र। राजन जी क्या लग रहा है, टीवी के माध्यम से एक इमोशनल इवेंट क्रिएट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मोदी जी ने कल भी कहा है कि जवान शहीद हो रहे हैं, मुझे वोट दीजिए, एक स्ट्रांग नेता चुनिए, मतलब पॉलिटिक्स है, ये पूरी तरह से पॉलिटिक्स है। मीडिया तो आप अभी आप नेशनल दस्तक चला रहे हो, आप लोगों को हमको पता है कि हमारी बात नेशनल दस्तक के अलावा और कहीं नहीं आ सकती। मीडिया पूरा का पूरा मोदी ने खरीद लिया है, मीडिया वही दिखाना चाहेगा, वही दिखा रहा है जो वो बीजेपी दिखाना चाहती है या आरएसएस दिखाना चाहती है। मीडिया हमारा नहीं है, मीडिया एक बहुत बड़ा हमारे घर में बैठा हुआ आरएसएस का प्रचारक है और मीडिया आरएसएस का बीजेपी का प्रचार करने का काम ये कर रही है। सर एक ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी जी का, वो 6 महीने के लिए गुजरात सीएम बनते हैं, गुजरात नरसंहार होता है, ट्रेन में जो लोग मारे गए थे उनका इसी तरह से इवेंट मैनेजमेंट हुआ था, 2000 लोगों की हत्याएं हुई, निर्दोष लोगों की हत्या हुई, देश भर में मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़क रहे हैं, बहुजन समाज आपको सुनता है जानता है, क्या अपील करेगा उनसे, कैसे बचे वो इस तरह के अफवाहों से, और उनको कोशिश हो रही है कि राम मंदिर फेल हो गया था तो बिग कॉन्फ्लिक्ट कराने की कोशिश हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोगों को, सभी लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग प्रतिक्रियावादी ना बने। भारत का मुसलमान उतना ही भारत का है जितने एससी एसटी और ओबीसी है, वो आज भी इस देश के लिए 3 बार 5 बार नमाज पढ़ता है तब इस देश के जमीन को माथा टेकता है, वो इतना ही देशभक्त है जितने आप लोग हो। ये बहुत बड़ी साजिश है कि देखो हमला हुआ बॉर्डर पर, ट्रेन रोकी जा रही है, बस रोकी जा रही है, मुंबई जैसे, महाराष्ट्र जैसे, यूपी जैसे, बिहार जैसे स्टेटों में ट्रेन रोकी जा रही है, उस ट्रेन में कौन सा पाकिस्तानी ट्रेवल कर रहा है, उस बस में कौन सा पाकिस्तानी गुजर रहा है, ये झगड़ा होगा बॉर्डर पे लेकिन घर जलेंगे हमारे गलियों में। सर लगता है ये स्क्रिप्टेड है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है और जो प्लानिंग इन्होंने बनाई है उस प्लानिंग के अनुसार वो लोग एक एक कदम आगे जा रहे हैं और इस प्लानिंग के ऊपर से हम लोगों को इनको अगर भटकाना है, हटाना है तो हमको प्रतिक्रिया देनी बंद करनी होगी। सर हमारी लीडरशिप जैसे कांग्रेस की सरकार थी, मुंबई हमला हुआ, वो लोग इसको राजनीति में बदलते हैं, बहुजन लीडरशिप को क्या काउंटर करना चाहिए, आकर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहिए? बहुजन लीडरशिप को इन लोगों ने कहीं ना कहीं पे तो अटका के रखा है, इनकी फाइलें तैयार करके रखी है, इसलिए बहुजन लीडरशिप भी मुझे आगे आते नहीं दिखाई दे रही। जिस बात से इन लोगों को घेरना चाहिए बीजेपी को, ना तो वो कांग्रेस घेर रही है, ना कोई विरोधी पक्ष में बैठा हुआ कोई आदमी कर रहा है, ये बात में आज राहुल मोदी भी चुप है, सारे ममता बनर्जी वहां पर इतनी बड़ी रैली लेती है, इस बात में आप क्यों चुप हो? तो ये बात कोई उठाने को ही तैयार नहीं है, देश के इंटीग्रिटी के साथ, देश के सिक्योरिटी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, सभी लोगों ने चुप्पी साधी रखी। रतन जी एक अहम सवाल है, गांधी की हत्या होती है, गोडसे करते हैं, कोई नरसंहार नहीं होता है, एक सिख का हत्या का दोषी पाया था इंदिरा गांधी में, सिखों का नरसंहार होता है, 10 से ज्यादा सवर्ण समाज के लोग कॉन्स्पिरेसी करते हुए पकड़े गए हैं, इसी देश की व्यवस्था ने पकड़ा है, ब्राह्मण के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कोई प्रदर्शन नहीं होता है, माल्या जैसे लोग होते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं कि सारा बाइनरी जो है इस देश का सवर्ण सेट कर रहा है और बहुजन उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं? ये देश आज भी वर्ण व्यवस्था के ऊपर चल रहा है, ये लोग चला रहे हैं, इसलिए इस देश में जो सबसे ऊपर वर्ण में है वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इतने सबूत मिलने के बाद आरएसएस के ही लोग पाए गए हैं कि वो आरएसएस से जुड़े हैं, जो मिलिट्री में इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन लीक करने का काम नागपुर के आरएसएस के लड़के ने किया, उसको अरेस्ट नहीं किया, वो ये हो जाता है। कर्नल पुरोहित जैसा मिलिट्री के पोस्ट पे रहने वाला बंदा, वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, ये आरडीएक्स सप्लाई करने का काम करता है, तो ये सारे आरएसएस से जुड़े हुए लोग इस देश के लोगों को मारना चाहते हैं, इन लोगों की हत्या करना चाहते हैं और एससी एसटी ओबीसी और मुसलमानों में ये एक द्वंद्व और युद्ध निर्माण। एक आखिरी सवाल सर, चुनाव में नरेंद्र मोदी की सर्वे आ रही थी, हालत पतली हो रही थी, यूपी में जिस तरह से गठबंधन होता है, बिहार में जिस तरह से उनके जनाधार घटते हैं, क्या लग रहा है कि एक तरह का राम मंदिर पहले, उसके बाद सवर्ण आरक्षण और उसके बाद एक कोई बड़ा ट्रंप कार्ड है, पॉलिटिकल ट्रंप कार्ड हो सकता है,
ये उसको मीडिया के माध्यम से इस तरह से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मीडिया उनके पास है, पैसा उनके पास है, सभी सब उनके पास है। लेकिन हम लोगों की भी अभी एक जिम्मेदारी है, कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर सभी लोगों को इकट्ठा करना और उन लोगों के पीछे खड़ा होना। ये हम लोगों को उनको बल देने का काम आने वाले 2-3 महीनों में 4 महीनों में, ये जब तक हमारी इलेक्शंस खत्म नहीं होती, हम लोगों को हमारे नेताओं को बल देने का काम करना होगा जो हमारी आवाज रखता है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। राजरत्न अम्बेडकर साहब ने साफ साफ कहा है कि बहुजनों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है और प्रतिक्रिया देने से पहले सचेत रहे। जिस तरह से देश के कई हिस्सों में हमले होने लगे हैं मुसलमानों पर, उससे साफ है कि जिस कभी राम के नाम पर, कभी सवर्ण आरक्षण के नाम पर बहुजनों का वोट लिया गया है। वोट के समय हिंदू हिंदू कहा जाता है, सरकार बनते ही उसे SC ST OBC में बांट दिया जाता है। बहुजन समाज कैसे रिएक्ट कर रहा है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन राजरत्न अम्बेडकर साहब ने साफ कहा है कि मोदी सरकार इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पलामू, झारखंड। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।